आज जो हमारी गेस्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती है प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वो वेलकम टू द वन एंड ओनली अलीना राइस प्लीज प्लीजिय आज के सेशन का हम टॉपिक रखते हैं जो इनकी एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड इज़ कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली और प्रॉपर एक्सेंट के साथ में तो किस तरह से बोल सकते हैं यानी हम क्या करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे आज यहाँ पर आप जो भी पूछेंगे इनसे वो इंग्लिश में पूछेंगे हिंदी में नहीं पूछेंगे गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच लाइक इवन यू डोंट नो योर सेल्फ डेट यू हैज चेंज मतलब सर यही मेरा यही क्वेश्चन है ऐसे फ्लूंटली <laughs> <frequently> बोलते हुए <थे। laughs> <laughs> आप किसी भी भाषा में बोलो मैं समझ गया आपके दिल में क्या है <laughs> मैं सर ये मैं इंस्पिरेशन है एक्चुअली एंड मैम माय क्वेश्चन इज दिस लाइक हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ रिजेक्शन वेल स्पीकिंग इंग्लिश लाइक अभी मेरे साथ जो हो रहा है

If you really want to improve yourself, you have to keep facing the discomfort that you just faced when you, you know, raised your hand and you said, "I want to speak on the mic." It takes a lot of guts because you're on the cameras. It's not just these people watching you. There are millions of people who are going to watch you after this day, right? It took guts. And those are the guts that are the that going going to to make you reach there, where you're be super fluent with your english getting my point योर yes, इंग्लिश so That's the thing. This is it. कोई वो नहीं है इसमें सिर्फ प्रैक्टिस होती है और अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है शुरुआत में मुझे भी महसूस होता था क्योंकि मैं एक काफ़ी एवरेज स्कूल से अचानक से एक बहुत अच्छे स्कूल में पटक दी गई थी और मेरे आसपास सब बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और मेरा मजाक बहुत बार उड़ाया है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मुझे कोई शर्म नहीं आती उस बात में उसके बारे में सोच के टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे अरे ये कहाँ से आ गई ये वैसा वाला आई थिंक इट्स रॉन्ग डोंट डू दिस टू अदर्स और दूसरी बात ये अपने ऊपर हंस लोगे ना तो किसी और का हंसना तो बुरा भी नहीं लगेगा गलती करो खुद पर ही हंस लो

वट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज what इज important? ग्रामर uh, vocabulary और रीडिंग यही तो गलती है आप लोग क्या करते हो ना इंग्लिश का ऑपरेशन कर देते हो उसके टुकड़े बना देते हो ये रही वोकेबलरी इसको मैं कल करता हूँ ये रही ग्रामर इसको आज छू लेता हूँ थोड़ा सा ये रही कुछ और ये कुछ और ये कंस्ट्रक्शन है ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है देखो हम इस पर बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली सोल्यूशन है सिंपल इंग्लिश बोलो टूटी फूटी जैसी भी आती है बस बोलना है ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच अगर उसका ऑपरेशन करोगे चलो ग्रामर सीखने में मेहनत करूंगा आज मैं एक्सरसाइजेस करूँगा ग्रामर की ऐसे नहीं करना है आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो हिंदी क्या टुकड़ों में सीखी थी आज मम्मी छोटी ही की मात्रा सिखाएगी कल पापा मेरे को बड़ी ही की मात्रा सिखाने वाले ऐसे थोड़े होता है नहीं होता ना ऐसे right. है ना आप टॉप डाउन देखो ना प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ सोल्यूशन है इंग्लिश में बात करना शुरू करो जितनी आती है उससे करो ग्रामर वो सब बनते 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 बन जाता है एक्सेंट की जहां तक बात है ए, कुछ नहीं होता एक्सेंट एक्सेंट कुछ सीखने की जरूरत नहीं है एक्सेंट क्या होता है एक्सेंट कोई क्यों बनना है हमें ब्रिटिश हमें क्यों अमेरिकन बनना है हम इंडियन काफी हैं यार हम बहुत अच्छे हैं एज इंडियंस हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे मुझे कॉमेंट्स आते हैं ऐसे मैम एवरी इज गुड अबाउट यू यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर एक्सेंट अ लिटल वाई आई ऑलरेडी हैव माई इंडियन एक्सेंट वाई वुड बी अमेरिकन आई डोट वॉन्ट बी अमेरिकन एम ओके गुड And that's what you have to be. Currently, I am preparing for CDS exam. That's why. In nice. which interview will be conducted in English language. आप ये कह रहे हो ना कि आपको interview में better करने के लिए क्या करना है? आपको practice करनी है. I know थोड़ा घिसा पिटा हो गया, but यही है यार. मेरे पास कोई मेडिसिन थोड़ी है मैं दूंगी ये वाली खा लो हो जाएगा नहीं आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत के सात आठ दस दिन तकलीफ होगी क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में आपको तकलीफ होती है तकलीफ होगी ग्यारहवें बारहवें दिन अगर आपको आराम महसूस होना शुरू ना हो जाए तो आप बताना आराम अपने आप इट विल सीप इन टू यू वंस यू नो हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम इट गेट्स ईजीअर फॉर यू एंड जितना डिस्कम्फर्ट डे वन पे होता है डे इलेवन डे ट्वेल्व पे उतना नहीं होता है बट या इट्स अ लॉन्ग फाइट सालो लगते हैं ये जो अंग्रेजी कोर्सेज होते हैं ना चालीस दिन में अंग्रेजी सीखो नहीं सीख सकते थोड़ा बहुत सीख भी लोगे बट आपको अपने मुंह से डिलीवर करने में परफेक्टली सालो लगेंगे तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन है जहाँ पर जाकर के आपको अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है या इंटरव्यू देना है तो आप स्टडी करो कि इसका पैटर्न क्या है आजकल तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं हैं पर के ऐसे मॉक मॉक इंटरव्यूज इंटरव्यूज होते हैं। हाँ। तो अगर वो वाले आप देखते हो और क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लेते हो और आपको कॉमन नजर आता है कि ये पांच दस क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं हुँ। तो हुँ। आपको पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है हाँ। तो याद कर लो सर एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट मॉक इंटरव्यूज की वाकई में वेबसाइट्स हैं तो आप अगर पहले से तैयारी कर लो और उसको बार 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 लिख जाओ, 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 जाए, जाए। मैं नहीं बोलता है, जब भी कोई आता है प्लीज नहीं। तो ना, ना? सर मैं क्या कह रहा हूँ एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी जो आपने जहां से सवाल की शुरुआत की थी कि मेरी वो कैबलरी हो गई है मेरा ग्रामर हो गया मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी यहाँ पे सिंपल बोलने की कोशिश करना एम क्या है इंटरव्यू क्लियर करना है ना या अंग्रेजी अच्छी बोलना है दैट्स नॉट योर एम वो एक मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का एम है इंटरव्यू क्लियर करना राइट right? आप सिंपल अंग्रेजी बोलने पे फोकस करो जैसे मैं एकदम सिंपल बोलती हूँ आराम आराम से बोलो भागने की ज़रूरत नहीं है तसल्ली से बोलना कोई सवाल आगे से आए दो सेकंड का पॉज लो पॉज लेके आराम से स्माइल करो वर्ड एवर योर आंसरिंग ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्माइल वहाँ पर यह आधा बैटल वन हो जाता है समझ रहे हो स्टार्ट विद अ स्माइल टेक टू सेकेंड पॉज जहाँ पे भी लगे योर रनिंग शॉर्ट ऑन योर थाट्स बोल दो सर कैन आई टेक टू सेकेंड्स बोल दो पता है लोग मदद करना चाहते हैं आपकी अगर मैं यहाँ स्टेज पर बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊँ मैं फ्लम फंबल करूँ ऐसे करने लगूँ सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना मेरे हाँ. एक सर थे उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो राइट right. और जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना तो ऑडियंस साथ में कांपती है वो डरती है कि कहीं आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो ये याद रखना मेरी बात हेलो सर हेलो मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग My question is that I am good in speaking English, but my accent is not so good. Because of that, my speaking English is not so bad. It is like dumb. Mm. And my life is going in a corporate life, and uh, all thing I want to do is in a corporate life. Mm. So, how can I uh, improve my accent? Because before it was zero. Now it is zero. By accent, do you mean the style of speaking? What yes, do you mean by accent? Because एक्सेंट का तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका इंडियन एक्सेंट है वही maintain करना है आई yes, so yes. ah, okay, okay. की भी कोशिश करोगे लेट से आप यूट्यूब के सैकड़ों वीडियोस देखते हो आप रिटेन नहीं कर पाओगे कुछ नहीं होता रिटेन नहीं कर पाओगे है ना होता क्या मैं बताती हूँ एक छन्ने की तरह होता है आप उसमें इतना ढेर सारा डालोगे छन्ने में इतना सा बचता है है ना चाय की पत्ती का इतना बड़ा आप पूरा टम्बलर उसमें पोर कर दो तो इतनी सी पत्ती बचती है एक्चुअली लर्निंग का भी यही होता है आप इतना अंदर दिमाग के डालोगे इतना सा ही बचेगा बट उसी के लिए हमें ट्राई करना है इसलिए अपने बेस को बढ़ाते रहो ठीक है अभी आपने इतना डाला तो इतना बचा आपने इतना और डाला अपने दिमाग में इतना और बचेगा ये धीमे धीमे याद रखना देखो अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना है तुम नहीं कर सकते यार कितनी भसड़ होगी जिंदगी में है ना कुछ रिलेशनशिप का कुछ फैमिली का कुछ करियर का कुछ पढ़ाई का पैसों का सैकड़ों चीजें होंगी क्या पूरा दिमाग तुम्हारा इंग्लिश पे लगा हुआ है नहीं ना तो अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि अरे यार मैं इतनी मुश्किल से तो जीरो को जीरो कर पाई हूं आगे क्या होगा मेरा आगे कैसे मैं इसको इसको ठीक करूँ उसको ठीक करूं मत बनाओ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा स्मार्ट है आप जितना ज्यादा इसे एक्सपोज करोगे जितना ज्यादा लर्निंग से लर्निंग है ना लर्निंग इज द की वर्ड हेयर जितना ज्यादा लर्निंग से एक्सपोज करोगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे आप सीखते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम आप डम्ब नहीं बोलोगे आप डम बोलोगे क्योंकि बी साइलेंट है <laughs> समझ रहे हो ये मेरे लिए नई बात है आप कह रहे हो डम नहीं होता है, होता है है सर ऐसे कई सारे वर्ड है थम 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 होता है या सर वही मैं बोलता बोलता बोलिए जैसे मेरे को तो समझ नहीं, मतलब नहीं आता अगर तुमको अंग्रेजी बनाते वक्त बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों अब है ना गलती हाँ भाई हम तो बोलेंगे सर जैसे प्लम्बर कर सब लोग प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में बढ़िया है यार क्या दिक्कत है बी साइलेंट तो है तो उसमें प्लम्बर होता है प्लम्बर होता है, है।, <laughs> <प्लंबर होता> है। <laughs> प्लम्बर मर गया है मतलब तो भाई ये तो मेरे सारे फंडे हैं सर बहुत लोचे हैं बहुत लोचे हैं सर बहुत है, लोचे, बहुत लोचे। वही मैं हाँ। कह रही हूं, इन चीजों इतना फोकस मत करो। और सबसे अच्छी बात है, matter, अगर देखो, हाँ। अगर सारे सर उसको खुद ही <laughs> नहीं पता कि भी साइलेंट है आप उसको प्लम्बर प्लम्बर बोलोगे शायद उसको अजीब लगे मैडम फालतू के एक्सेंट मारी बाकी देखो द थिंग इज दैट यू आर एंटरिंग कॉर्पोरेट यू टोल्ड मी

होता तो भी मैं कहती छोड़ो, ये में भी है आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन गूगल पे चेक करोगे दैट ऑल्सो सेल्सियम पोटेशियम मैग्नीशियम तो हम ये कैल्शियम कहाँ से बोलते आए हैं ये कहा से आया सर दादा परसेंटिनेशन कहाँ से है सर ये ऐसी चला आ रहा है और थिंग इज पता है अगर... जमाने से. हाँ, हाँ, हाँ. अभी क्या है कि हम बोल रहे हैं दूसरा समझ रहा है तो बस बात खत्म क्या जरूरत है ठीक है ये तो अफवाह हो गई एक तरीके से मतलब ये तो नहीं है कि कि मतलब कहाँ से शुरू हुई है कहना ही बड़ा मुश्किल है सर तो। हमारे लिए भी वियर्ड है बट हमें वीडियोस बनाने में पता चल जाता है ना नॉलेज मिल जाती है और फिर हम आगे सिखा देते हैं फिर वो मिलियन ऑफ लोग उसे देखते हैं तो वो भी सीखते हैं उससे मजा आता है अच्छा एक बात बताइए कैल्शियम से मेरे माइंड में आ रहा है वाइटमिन तो वाइटमिन होता है विटामिन होता है आई थिंक इट्स इट्स या या इज मैं सोच रहा कहीं ना कहीं तो आप भी फंसोगे सर 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 कहीं ना कहीं नहीं बहुत। के मुझे बहुत चीजें नहीं पता है आई थिंक ऑन दैट ग्राउंड एवरी वन ऑफ शुड बी वेरी हम्बल राइट दैट देर आर ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स यू डू नॉट नो मजे की बात हा? पता है, क्या है पता करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं अपना है जब तक की बात समझ आ रही है ना आपस में तब तक ठीक है आई थिंक सो सर वो वीडियोस तो अच्छा क्या करते हैं। हम बनाते रहते हैं। <laughs> नहीं आपको तो कुछ <laughs> बोलना ही पड़ेगा ना मतलब कॉमेंट्स भी आते हैं अरे आई अंग्रेज की औला हमें सिखाएंगे आप कुछ तो बनाएंगे ना यार हमारा काम है वो हमारा काम है एंड रियली पीपल लाइक इट नहीं और आप अपनी तरफ से तो अच्छा काम ही कर रहे हो मतलब अगर कोई सीख जाए तो अच्छा है लेकिन मेरे अगर कोई नहीं सीखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं 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 कोई दिक्कत सर आई अग्री तो कैल्शियम ही बोलो विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच थैंक यू